जिलाधिकारी के विजयन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को गीता प्रेस रेती रोड समारोह पांडेहाता सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क आदि लगाने के बारे में जागरूक किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अपने सामानों का डिस्प्ले कम से कम करें ताकि लोग कम छुएं और लोग सुरक्षित रहें। निरीक्षण के दौरान सीओ कोतवाली वीपी सिंह, इंस्पेक्टर राजघाट राजेश पांडे, इंस्पेक्टर कोतवाली जयदीप वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अन्य लोग मौजूद रहे। कोई छुएगा तो फिर कोरोना आपको भी आ जाएगा। माल अंदर रखिए, शटर के अंदर रख के व्यापार करिए। मास्क पहनो। जितना सामान बाहर, माल अंदर रखिए, डिस्प्ले मत करिए बाहर। अंदर रख के व्यापार करिए। जैसे टांग रहे ना, अंदर रखिए, बाहर मत आइए। बाहर सामान, माल अंदर रख के व्यापार करिए। इतना ज्यादा खतरा है, कोई छुएगा तो ये सामान सजाइए मत, बाहर मत रखिए सामान। बाहर पीछे आओ, सील हो जाएगा दुकान पर। माल अंदर रखिए, डिस्प्ले बाहर मत करिए। कस्टमर के जगह नहीं, ये खराब होने के। माल अंदर रख के व्यापार करिए, शटर के अंदर माल रखिए सब। माल अंदर रख के व्यापार करिए, डिस्प्ले मत करिए। ये डिस्प्ले अंदर रखिए, डिस्प्ले अन्यथा दुकान सीज कर दी जाएगी। ये पुतले, सारी साड़ियां, ये सब अंदर रखें। बाहर डिस्प्ले मत करिए भाई, अंदर रखिए, शटर के अंदर रख के व्यापार करिए। शटर के अंदर रख के व्यापार करें। डिस्प्ले करने से बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है, लोग आते जाते छू सकते हैं। डिस्प्ले करके बिक्री मत करें, आते जाते लोग छू लेंगे, बीमारी फैलने का खतरा है। डिस्प्ले मत करें बाहर। ये अन्यथा दुकान सीज कर दी जाएगी। बाहर डिस्प्ले मत करिए, अंदर ही रखिए माल। दुकान में जितनी क्षमता है उतना ही लोग काम करें। कल एक आध दुकान सीज करानी पड़ेगी। ये शगुन आप तो मत घूमिए, डिस्प्ले मत करिए। सड़क पर माल मिलेगा, सीज कर लेंगे हम लोग। कैसे हो पाएगी? इतने माल क्यों बाहर फेंके आपने? अच्छा भैया जी, तो हम ये गठिया पर उठवा करके सारी गोदाम में। कस्टमर कहाँ आए? गोदाम में रखिए, ठीक है? गोदाम में रखो, तुरंत करवा। कितने के चलते सड़क पर बिल्कुल भी माल मत रखे, बीमारी फैलने का अंदेशा ज्यादा है। दूसरे आदमी का भी आ सकता है आपको भले के लिए। कस्टमर के बराबर जगह बना के रखिए, स्क्वायर फीट मीटर ना पाएंगे, उतने कस्टमर ज्यादा हुए तो सील हो जाएगी। तो हैंडलूम अपने सामान अंदर रखिए, छतरी के अंदर। भाई देखो, माल अंदर रखो भाई, डिस्प्ले बाहर मत करना है। ये किसी का भी दुकान है, शटर के अंदर माल रखिए। ये किसका दुकान है भाई, नाम कुछ है? माल अंदर रखो, शटर के अंदर। ज्यादा माल है तो गोदाम भेजो। कोई सामान छुएगा कोरोना, फिर शाम को घर लेकर के जाना। अनावश्यक भीड़ मत लगाइए, काम के बाद अपने अपने काम पे चलिए। शटर के बाहर डिस्प्ले मत करिए, शटर के बाहर डिस्प्ले मत करिए, भीड़ मत होने दीजिए। शटर के बाहर डिस्प्ले मत करिए, फिर दुकान सील हो जाएगी। कोई आएगा आपका सामान छुएगा तो फिर आपकी कोरोना में मरीज हो जाएगी। एकदम बढ़िया, ऐसे करिए, खूब दुकानदारी करिए। ये दूरी बना के चलते रहिए, एक दूसरे को छुइए मत। बाहर सामान डिस्प्ले मत करें, ज्यादा लोग छुएंगे बीमारी ज्यादा फैलेगी। आपकी सुविधा के लिए दुकानें खुलवाई गई हैं। जितना ज्यादा सामान बाहर छुएगा कोई, उतना ज्यादा सामान रखिए। सामान अपना इतना डिस्प्ले मत लगाओ, डिस्प्ले कम लगाइए, मत लगाइए। लिखकर के लगाया जा सकता है।
शटर के बाहर मत करिए। देखिए भाई डिस्प्ले मत करो, कोई छुएगा तो कोरोना निकलेगा, 500 मीटर का एरिया सील हो जाएगा, फायदा क्या, 21 दिन बंद दुकान। शटर के बाहर दूरी बना कर रखिए। सामान बाहर डिस्प्ले मत करिए, अंदर रखिए सामान, क्षेत्र के अंदर रखिए, व्यापार करिए। कस्टमर की जगह नहीं, कैसे करेंगे? कस्टमर को यहाँ खड़ा करिए, क्षेत्र के अंदर रहिए। कस्टमर यहाँ तक शामिल करिए, इतना ज्यादा डिस्प्ले करेंगे सामान छुएगा कस्टमर, बीमारी फैलेगी, दुकान सील हो जाएगी। बाहर डिस्प्ले नहीं होना, क्षेत्र के अंदर सामान खुला रखिए, क्षेत्र के अंदर रखिए, व्यापार करिए। ठाकुर आत्म राव उत्तर दुकान है भाई, सामान।